मम्मी पापा का कुछ तो इश्यू था और बुलीड था वो, लाइक सारी पहनने पे बुली दस हो बार गया था। सोचो कि इस वर्ड से क्या इसको बुरा लगेगा, क्या इसको कुछ दिक्कत हो सकती है। क्या है? गाइस, आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहा है सुबह का 6:30 और हम रेडी हो गए हैं जिम के लिए। बाहर का मौसम आप लोग देखो, मैं जब उठी थी एकदम अंधेरा था और आज भी वेदर में बारिश का दे रहा है, तो बस वही है कि आज भी बारिश होने वाली है। अभी जिम जाने के वक्त ना होने लगे, अभी मुझे ये डाउट है। और ये रहे मिस्टर पतिदेव। गुड मॉर्निंग, नाम है मेरा। तो आप मेरे पतिदेव नहीं है क्या? नाम गीत है। ये रहे गीत तिवारी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलो जिम चलते हैं एंड यू विल बी देयर विद मी थ्रू आउट माय डे। सो हेलो पीपल, जिम से हम लोग आ गए थे। पर्दा खोलने सूर्य देवता आ गए हैं, नहीं आए हैं सूर्य देवता। एक्चुअली बारिश का वेदर है ना, मैंने बताया था, तो बारिश ही है अभी। मतलब जिम ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है, लेकिन वेदर बहुत ऐसा है, कैसा ग्लूमी ग्लूमी। और अब हम करेंगे पूजा। ये रहे भगवान जी। अभी बज रहा है 10:30 और जिम हो गई है। जिम से आ गए हैं, नहा लिया है और अभी तक मैंने चाय वाय कुछ पी नहीं है। सो क्योंकि व्रत था, अदरवाइज मैं सुबह अच्छे से खा पी के जाती हूँ। पेड़ों को यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी जान है। पेड़ इधर। मैंने थोड़े से बाल सेट कर लिया है क्योंकि मेरा ऑडिशन है, 2 ऑडिशन बनाने हैं। तो अभी जैसे ही चाय पीऊँगी तुरंत मुझे रेडी होना पड़ेगा। खाना वाना बाद में करेंगे। ये है मखानी चाय, गीत की ब्लैक कॉफी। गीत ने नहीं नहाया ना, ला 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 ला, मैं गुड गर्ल बन गई, ला 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 ला। तो आज खाने में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है क्योंकि मेरा फास्ट है और गीत का डाइट का ही रहेगा, तो वो फटफट करेंगे ऑडिशन लगाने के बाद। थोड़ी तुम भी खा लो मखाने। इतने मत दो, कम करो। नहीं नहीं खा लो, थोड़े तो खा। अरे दर्द चचा। तो ऑडिशन, अयो ऑडिशन हो गया, मैं तैयार हो गई। यार यहाँ के बच्चे शांति नहीं होते, स्कूल कब जाते हैं समझ नहीं आता। मेरा ये लुक है स्कूल, क्यों हंस रहे तुम, हंसे थे तुम? ये लोग स्कूल स्कूल नहीं जाते क्या? हाँ, तो ये मेरा लुक है। ये साड़ी का एक लुक बनाना है मुझे फॉर माय इंस्टाग्राम एंड यस। हाँ, एम आई लुकिंग प्रीटी और एम आई लुकिंग सो प्रीटी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बता बता बस दो गाइस। सिर तक आ रहा है, पूरा सिर के ऊपर तक जा रहा है। हाथ कहाँ कट रहा था बताना? ऊपर जाओ 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 जाओ, कट गया। कितना मतलब? हाँ गाइस, मान लो डायरेक्टर है, काफी डायरेक्ट कर रहा है, जैसे मैं शूट करता हूँ तो मैं भी बताता हूँ मैक्सिमम टाइम कि इतना फ्रेम है, इससे ऊपर हाथ जाएगा तो कटेगा। हाथ कट गया, ये अंदर आ गया फ्रेम के, तो उसको मैं हर बार बताता हूँ कि ऐसा करो, फ्रेम के अंदर रहो, कटना नहीं चाहिए हाथ। तो कायदे में अगर ये फ्रेम है तो मैं आऊंगा तो मैं इतना हाथ घुमाऊंगा या ये जो भी करूँ, ठीक है? हाथ मेरा नहीं कटा, ठीक है? अब प्राची को बता दी सेम, प्राची करेगी सुनो एक मिनट पकड़ो। तो मैं ना ब्लाउज डिजाइन आइडियाज शूट कर रही थी फॉर माय इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। तो मैं आप लोगों को यहाँ भी इतनी क्यों हिल रही हो? तो मैं आप लोगों को हाँ ना गाइस देखो फ्रेम में कटी,
तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे कि ये मेरा फेरे वाला ब्लाउज है जिसमें मैंने आगे से ऐसे ट्रायंगल बनवाए थे ताकि वो आगे से बहुत अच्छा सा दिखे, और बैक में मैंने ऐसे शेप बना के यहाँ बो है, यहाँ पे बो है, तो ये डिजाइन है। एंड मैं और दो दिखाती हूँ, ये है मेरी इंगेजमेंट वाला बो, से मुझे कुछ ज्यादा ही लगाव है क्योंकि ना मेरी चप्पल में भी बो होता है, मेरे पर्स में भी बो होता है, मेरे ब्लाउज में भी बो है। आप लोग तुम्हें बो पसंद है ना? तो ये देखो, ये है बो और ये डिजाइन मैंने दी थी आगे से, मैंने यही वाला दिखाया क्या? चलो फ्रेम कट नहीं है। अरे यार वो बता देने दो, क्या बताना, बोलो। ये है और ये वाली जो लेस है ना, ये मैंने खरीदी थी और ब्लाउज में नहीं थी, तो ये मैंने लगवाई है इसमें। गाइस अच्छा आप लोग कमेंट बताना, जो पहले ड्रेसेस आती थी बारात वालों की, जो पकड़ते थे लाइट, वो साइड साइड में ऐसे लगाते थे ना? प्लीज यार गीत, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है? और ये है मेरा, के बाजू में लटक रहता था। सुनो, ये है मेरा तीसरा ब्लाउज, इसमें आगे गले में ऐसी डिजाइन थी ऑलरेडी। अरे यार एक मिनट, मुझे सीरियसली बताना। ये मेरे आगे ब्लाउज में डिजाइन थी तो मैंने पीछे दे दी क्योंकि पीछे का तो पोर्शन ऐसे दिखता है ना, तो ये पीछे पानी की बूंद, पानी की बूंद नहीं है ये यार, ये नहीं बात करनी मैं, वो की चीज है, निकल जाओ। कुत्तों से क्यों हो रही हो? क्या है, क्या भाग गया? इधर आओ। गाना गा रही थी, भला है बुरा है जैसा भी। जाओ टिकट चेंज करके आओ, भाई लग रही हो, जा। तो मैं कर रही हूँ मेरा फलाहार, मतलब फलाहार मैं करती नहीं हूँ, लेकिन आज क्या हुआ ना, वर्कआउट इतना ज्यादा कर लिया, फिर आके 2-3-4 शूट हो गए, 2 ऑडिशन हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं सद्गुरु वाला वो करूँ, तो मैं मूंगफली व्रत में खा लेते हैं और बनाना, तो मैंने सद्गुरु का डाइट किया है। सद्गुरु का एक रेसिपी है जो सद्गुरु जी का, सद्गुरु का गुरु, साफ साफ गुरु, सद्गुरु जी का, तो ये है, ठीक है? मैं ट्राई करके बताती हूँ। इट्स पीनट्स एंड ये, मैंने अभी रेसिपी बनाई नहीं है, मैंने सोचा कि पहले मैं टेस्ट कर लूँ, अगर अच्छी लगेगी तो बनाऊँ। चम्मच बस खा कर जाए नहीं, प्लीज नो, जस्ट वन, नो मींस नो, प्लीज नहीं, मेरे लिए नहीं, नहीं किसी के लिए नहीं, यही है ये इंसान। यम्मी, नेक्स्ट लेवल यम्मी, इसकी रेसिपी इज कमिंग वेरी सून, वेरी हेल्दी रेसिपी। हेलो, शूट होके सब होके हो गई है शाम। आज ना मैं सोच रही हूँ पूजा करने के बाद मैं ये जलाऊंगी, जो कि आया था गीत के ऑफिस की तरफ से। फ्रंट कैमरा खोला है, देखो मेरा प्लान कितना सुंदर लग रहा है। और मैं ना डीमार्ट से ये लेके आई थी बाती, ये 95 रुपीस की हैं और ये ऑटोमेटिक लाइक बनी हुई है, तो आपको अगर जल्दी जल्दी हो तो ये वाली यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज मैंने घी में बना के भी रखी हैं तो वो वाली यूज़ करें, अगर एकदम ही जल्दी हो तो मैं ये वाली लगा लेती हूँ। और अभी जल्दी से लेकर बहुत जोर से भूख लगी है, तो हम कर रहे हैं पूजा। प्रसाद के लिए ना मैं इस डब्बे में मिश्री दाना रखती हूँ, मेरे को ज़्यादा डब्बे डब्बी नहीं करती, छोटे छोटे 2-3 डब्बे हैं उसमें ही हो जाता है। ये मिश्री दाना मैं प्रसाद में चढ़ाती हूँ, जैसे फोन गिर गया, डबल चिन दिख रही है यार मेरी जॉ लाइन काम आएगी। राइट हियर इसमें हम जलाते हैं धूप बत्ती, और ये मोए मोए इतना फेमस हो गया है ना कि अभी मेरे को इसको गाने की इतनी आदत हो गई, हम लोग हर वक्त ये गा रहे हैं, लाइक किसी भी सिचुएशन में, अकेले बैठे हैं अलोन लाइफ में और गीत, और चुपचाप बैठ गए और बोल रहे हैं थोड़ी देर मोए मोए। शिट यार, ये आदत थोड़ी बुरी है।
पता है शाम के वक्त पूजा करो और धूप जला दो, ये छोटे छोटे से चेंजेस ना घर को बहुत पॉजिटिव करते हैं। आपका दिमाग कितना भी खराब हो, घर का माहौल हमेशा अच्छा रखना चाहिए ताकि आपके घर में पॉजिटिविटी रहे। तो ये ग्रीन प्लांट्स भी हमें हेल्प करते हैं घर में पॉजिटिविटी रखने के लिए, लाइक इंडोर प्लांट्स रखना चाहिए मुझे तो लगता है। पूजा कंप्लीट, अब हम करेंगे भोजन बिकॉज व्रत है तो भूख लग गई है बहुत जोर से। सामान रख दिया जाए अंदर तुरंत के तुरंत, नहीं तो सामान बहुत सारा हो जाएगा अगर मैं इस तरीके से बात करने लगूँ तो। आलू की सब्जी, रोटी, लेकिन मैं पराठा नहीं खा रही, एटलीस्ट ऑयल ऐसे पराठे में नहीं जाएगा तो रोटी खा रही हूँ। और थोड़ा ऐसे होता रहना चाहिए, लाइक वेरिएशन होते रहना चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मैं सावधानी की खिचड़ी भी खा लेती हूँ। सो यस नाउ आई ईट लाइक एंजॉय माई फूड एंड देन मीट यू गाइस। चलो चले सब हो गया, थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं क्योंकि मैं ना पक जाती हूँ दिन भर मोबाइल और लैपटॉप में काम करते करते, थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है बाहर जाके, इसीलिए। चलो गीत को खानी है पानी पूरी और मैं नहीं खा सकती क्योंकि मेरा व्रत है, तो अभी क्या कर सकते हैं, पतिदेव का मन है तो। पतिदेव, मिस्टर पतिदेव तो फाइनली मुझे सर्दी हो चुकी है, मतलब अभी पूरी नहीं हुई, होने वाली है, वो वाली फीलिंग हो रही है। उसके अलावा हवा जल्दी जल्दी उठ जाता है तो 10:30 बजे ही हमें बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। मुझे एक चीज़ बोलनी थी, पता है तुम्हें इंदौर का या वहीं आसपास का एक बंदा है, गीत तुमसे बात कर रही हूँ मैं, हाँ तो बोल रहा हूँ दिख रहा है, वहाँ पे वो फैशन ये मेकअप इन्फ्लुएंसर था और वो ट्रोल हो गया और वो हिट हो गया, सुसाइड कर लिया उसने। किस बात से? क्योंकि वो लड़का था और वो मेकअप करता था, हाँ तो लोगों ने उसको कुछ कुछ बोला, बेकार चीजें लाइक ताने दिए, ये सब बकवास बातें बोली, तो उसने सुसाइड कर लिया। उससे क्या होता है तानों से भाई, वो अपना काम करे ना, उसको हो गया होगा हिट, वो पता नहीं क्या। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया में या रियल लाइफ में कभी भी आप है ना अपने वर्ड्स को बहुत चुन के बोलो, या आप किसी को कमेंट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स को, प्लीज अपने वर्ड्स को पहले 10 बार सोचो कि इस वर्ड से क्या इसको बुरा लगेगा, क्या इसको कुछ दिक्कत हो सकती है, उसके बाद बोलो। ये फ्री की होती है जुबान, मैं मानती हूँ, लेकिन अपनी जुबान की कीमत रखो। इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि कोई किसी को कुछ भी बोलता रहे, क्योंकि मैं हमेशा अगर मुझे ये चीज बुरी लग रही है ना, तुम मुझसे पूछोगे कैसी लग रही है, तो मैं यही बोलूंगी अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैं कभी तुमको हर्ट नहीं करूंगी। तो मैं सिर्फ मेरी ऑडियंस जो मुझे लोग देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जब भी बोलो अच्छा बोलो, और अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो मत बोलो, तो बुरा भी मत बोलो। वही मेरा मतलब है कि अगर अच्छा बोल सकते हो तो सब बोलो, पे अप्लाइड होता है, हाँ, वरना मत बोलो, अपनी जुबान अंदर ही रखो, अपना बोलो खलास खला बोला दो। तो बस हो गया ज्ञान की बातें, और मेरे को थोड़ी सर्दी हो रही है, अभी मैं सो जाऊंगी क्योंकि कल सुबह फिर 6 बजे उठना है वापस, और सिट्रिजन खानी है, नहीं नहीं मैं नहीं खा रही अभी। सो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ गीत एंड प्राची ब्लॉग्स, एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर सच एंटरटेनिंग ब्लॉग्स, एंड यू विल गेट टू नो व्हेनेवर वी विल अपलोड न्यू वीडियो, अगर आप बेल आइकन दबा दोगे तो। सो या बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, शुभरात्रि। वो लड़का इंदौर का नहीं था, वो लड़का था इधर का, उज्जैन का, और शायद उसके
लाइक मम्मी पापा का कुछ तो इशू था और बुलीड था वो, लाइक साड़ी पहनने पे बुली हो गया था। बापरे मत करो यार, मत बोला करो कुछ उठपटांग के सीखो।